जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया उसी बेटे ने आज माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाज और रिश्तों को झकझोर देने वाला ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बुर्जुस्मान ईदगाह रोड का है। घर की बहू खदीजा के मुताबिक जब आरोपी रिजवान की माँ ऊपरी मंजिल पर बने बाथरूम में नहा रही थी उसी दौरान बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बाथरूम में ही अपनी माँ की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी। खदीजा ने और भी कई गंभीर आरोप मृतका के बेटे और उसकी पत्नी पर लगाए हैं। क्या कहना है आप भी सुनिए। मेरा नाम खदीजा, मेरी सास है। उसका झगड़ा चल रहा, उसका हिस्से बंटवारा होगा, हिस्से बंटवारा हो रहे तो वो कह रही 4 हिस्से होंगे, तो उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई थी। और ये दोनों बेटे कह रहे हैं कि एक ही 3 हिस्से होंगे 3 भाइयों के, चौथा ना देने के, बिल्कुल भी चाहे मर जावा चाहे कट जावा चाहे कुछ भी हो जाए देने के नाम। वो डर के मारे यहाँ सो ना रही हैं और कहीं सो रही, हम वो रोजाना आ जावाई फजर में नमाज कुरान पढ़ाई और फिर डोलने को निकल जावाई खा पी के, ऐसे ही आ जाई, आई आई नमाज कुरान पढ़ के फिर नीचे को आई मेरे पास, कहने लगी कुछ दियो मुझे खाने को, मैंने रोटी दे दी। मैं कहने लगी अम्मी दूध पी लो, कहने लगी ना कर ना अभी भी मैं नहा के पीऊँगी दूध। वो नहाने को गई ऊपर, नहाने को गई, नहाई रही ही थोड़ी देर बाद ही आवाज़ आई ऊपर से कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और कौन था ऊपर उस टाइम? ऊपर बहू थी और वो हाँ उनका दूल्हा रिजवान, छोटा बेटा और छोटी बेटा और बहू, हाँ और कोई ना था। उनके निशान विशान भी थे चोट के? यहाँ पे थे ना निशान, है यहाँ पे और यहाँ पे माथे पे निशान है। मुँह में से खून निकल ले। तो फिर मैं गई आवाज़ सुनकर तो वो छोटा वाला लौंडा ऊपर से आ रहा, उनका हस्बैंड ऊपर से आ रहा, उतर कर मैं ऊपर को गई, वो जेठ की लौंडिया और वो बहू छोटी वाली गेट पर खड़ी गुसल खाने के। मैं जाने लगी गुसल खाने, मेरे को कहने लगी ना वो नहा रही हैं। मैं कहने लगी हटा मुझे देखना तो दे, कह रही बचाओ बचाओ काय को आवाज़ दे रही, नहा रही हैं हटा नहा रही हैं, मुझे बढ़ना ना दी। मैं जरा देर को खड़ी हो गई, फिर मैं कहने लगी ना आवाज़ आ रही ना कुछ आ रही नहाने की। मैं कहने लगी हटा कौन हटा, हम मुझे देखने देती है कौन ना देखने देती। मैं चीर फाड़ करके अंदर बढ़ गई, मरी भी पड़ी कुछ भी ना हूँ मैं तो। अच्छा, और बाथरूम में हाँ, और गले में वो अटक रहा जम्फर, सलवार पहन रखी गले में अटक रहा जम्फर। वहीं मृतका की बेटी के मुताबिक माँ अपनी जायदाद से तीनों बेटों को हिस्सा देने के साथ साथ खुद भी अपना हिस्सा मांग रही थी। जो हत्यारोपी बेटे रिजवान को गवारा नहीं था, जिसके चलते आरोपी ने षड्यंत्र के तहत अपनी ही माँ की हत्या कर दी। पहले हमारी माँ दुकानों का किराया खावे थी, 3 दुकानें 2-2 हजार दुकानों के किराए के आवे, वो दुकानें छीन ली। हमारी माँ ने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस में गई हमारी माँ, वहाँ से रिपोर्ट में से वहाँ से आ गई, फैसला करा लिया। हमारी फूफी बुला लाई कि चल मैं तेरी दुकानें तुझे दिलवा दूंगी। तो वहाँ से आने के बाद में नुकाई 1-1 हजार देंगे तीनों बेटे, दुकानें तीनों बेटों को दे दे। तो दुकानें तीनों ले ली, 2 बेटों ने, एक बड़े ने एक छोटे ने, पिछले बेटे को दुकान ना दी तो 2 हजार रुपये महीना देवे, तीनों दुकानें छीन ली। मेरी माँ रोती फिर रही, ना रोटी देवे ना पानी देवे, भूखी प्यासी फिर रही। अच्छा, इसकी शिकायत भी तो उन्होंने दी थी कि उन्हें डर है। हाँ उन्हें डर है, वो अब भी थोड़े दिन पहले भी अभी गई थी, अभी एप्लीकेशन लगाया था रिपोर्ट करने को गई। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कई दिन के बाद में पुलिस आई। पुलिस आकर हमारे पिछले भैया से बोली अपनी अम्मा को लेकर चौकी पे आओ। मेरी माँ चौकी पे गई, वहाँ जाने के बाद में इन्होंने फजीता करा। वहाँ पे भी मेरे बड़े भाई ने नुकाई कही है सूली चढ़ जा, फांसी लग जा, कुछ भी हो जा, घर का हिस्सा ना देने के ही तुझे। हमारी मनु कह भाई 4 हिस्से कर लो, 3 तुम ले लो, 1 मुझे दे दो। हिस्सा जाए जाना हाँ उनका, उनको हिस्सा ना दिया इन्होंने तो। हमारे भैया ने चौकी पे भी ये कही मर जा कट जा, तुझे हिस्सा ना देने के। बेटी के मुताबिक मृतका को अपने बेटों से जान का खतरा था और वो इसकी शिकायत पहले भी खुर्जा पुलिस से कर चुकी है। लेकिन सवाल ये, जब मृतका अपने बेटों से पहले ही जान का खतरा बताकर पुलिस से मदद मांग रही थी तो पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की? फिलहाल सूचना पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है, जबकि पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब जमीन के लालच में रिश्तों का कत्ल हुआ हो, इससे पहले भी जनपद में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।